जय हिंद दोस्तों। आज की जो खबर है बहुत ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, लेकिन इसमें एक शर्त भी है। तो वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, छोटी सी शर्त है लेकिन खुशखबरी काफ़ी बड़ी है। इसी बात वीडियो को आप लोग लाइक कभी कभी कर दीजिएगा। गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग अब एक लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMV लाइसेंस से टू व्हीलर की कैटेगरीज में मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी वगैरह चला सकते हैं। जी हाँ, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, गुड न्यूज़, RTO की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आइए आपको जानकारी देते हैं पूरी तरीके से दोस्तों। इस संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन भी मुझे पूछे जाते रहते हैं। अमूमन इस विषय पर ज़्यादातर ही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सही तरीके से बताऊं तो कि हमारा जो व्हीकल है LMV कैटेगरी का लाइसेंस है, व्हीकल टू व्हीलर है, तो क्या हम उसे चला सकते हैं नहीं, और इससे क्या हम स्कूटी वगैरह चला सकते हैं कि नहीं, इससे हम अगर LMV लाइसेंस बनवा रहे हैं तो हम क्या टू व्हीलर गाड़ी लेकर टेस्ट जा सकते हैं कि नहीं, सारी चीज़ों का आंसर मैं करने वाला हूँ। साथ साथ आपको जानकारी भी दूंगा जो गुड न्यूज़ है, और जो शर्त मैंने आपको पहले बताई वो भी बताऊँगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में नहीं स्किप करके जाइएगा, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, बाद में आप लोग का चालान कटेगा तो उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, मोटरसाइकिल स्कूटी जो लोग चलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं लाइसेंस बनाने के लिए बात बता देता हूँ कि जो लोग अगर एक LMV लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उनको टेस्ट तो फोर व्हीलर गाड़ी लेकर ही जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। स्कूटी या टू व्हीलर अलाउड नहीं है टेस्ट देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो लोग कहते हैं कि हम फोर व्हीलर लाइसेंस हमारे पास है, हम क्या टू व्हीलर चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं कि नहीं, तो देखिए इसके ऊपर जो एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो आदेश दिया था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने इसके ऊपर एक एडवाइजरी भी जारी की थी। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है यानी कि जो इसके लिए संबंधित आदेश हैं, प्रपत्र है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, साथ साथ मैं ट्विटर पर भी दे दूंगा, उसको आप ले सकते हैं। तो आप टू व्हीलर स्कूटी एवं मोटरसाइकिल चला सकते हैं लंबी लाइसेंस से, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यह मैं आपको अब सीधे तरीके से बताऊं तो यह सभी जगह अलाउड नहीं है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में अभी भी कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया है। तो गुड न्यूज़ इसमें यह है कि आप लोग टू व्हीलर में स्कूटी या मोटरसाइकिल तो चला सकते हैं LMV लाइसेंस से, लेकिन यह केवल केवल इमरजेंसी केस के लिए है। जी हाँ, नॉर्मल केस में आम पब्लिक के लिए अलाउड अभी नहीं किया गया है, लेकिन इमरजेंसी केस के लिए अलाउड है, आप चला सकते हैं। आपके पास एक कमर्शियल लाइसेंस है, LMV लाइसेंस है, तो अलग से एंडोर्स करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप, अलग से एंडोर्स आपको नहीं करवाना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा इमरजेंसी केस में। जैसे कि कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आप ड्राइव कर रहे हैं टू व्हीलर स्कूटी से, आप बैक सीट पर उसको बिठाए हैं या तीन लोग आप हैं, आपके पास LMV लाइसेंस है, उस दरमियान अगर आप पकड़े जाते हैं RTO के द्वारा या चेकिंग के दौरान किस कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास एक LMV लाइसेंस है, तो आपको छूट दी जाएगी, आपको रोका टोका नहीं जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी एक्सीडेंटल केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी की आप मदद कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ है किसी की फौरी मदद करना। फौरी मदद का मतलब कहीं पर भी अगर फायर वगैरह लगी हुई है, आग लगी हो, उसको बुझाने के लिए आप जा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, आपके पास LMV लाइसेंस है, गाड़ी आप टू व्हीलर एक्टिवा चला रहे हैं यानी कि स्कूटी चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई चालान नहीं कटेगा इमरजेंसी केस में। फौरी मदद में आपके लिए यह अलाउड है बिल्कुल, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट विभाग के जो आदेश है वो भी साफ साफ ही है कि अलग से एंडोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल केस में आम पब्लिक हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, आपके पास LMV लाइसेंस है, तो आपका चालान काटा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखा, ये बारीकी वाली बात है बिल्कुल, ये आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। मैं आपको एकदम सही सटीक जानकारी देता हूँ RTO के ट्रांसपोर्ट से, ताकि आपका जो भविष्य है वो सिक्योर रहे, आप फाइनेंशियल तरीके से प्रॉब्लम में ना आए, आपको कोई भी कहीं पे जगह बार बार RTO के चक्कर ना काटने पड़े, आपका चालान ना कटे, अतिरिक्त आपको परेशानी ना हो, किसी भी परेशानी में ना जाएं आप, तो कोई भी आपको वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैं आप सीधे बता रहा हूँ कि इमरजेंसी केस में टू व्हीलर में आप एक्टिवा मोटरसाइकिल बिल्कुल LMV लाइसेंस से चला सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं, आम पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है कि आप LMV लाइसेंस से या कमर्शियल लाइसेंस से टू व्हीलर एक्टिवा लेकर चलाएं। जो कैटेगरी है उसके लिए वही लाइसेंस जो है वह
एलिजिबल होता है वो मान्य होता है। जैसे टू व्हीलर है तो MCWG लाइसेंस होना चाहिए, एक्टिवा है तो किसी कैटेगरीज में तो ये MCWOG में भी आती है किसी कोई कोई एक्टिवा, और कोई एक्टिवा जो है वो MCWG के अंतर्गत ही आती हैं। तो आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए इन गाड़ियों को चलाने के लिए। LMV लाइसेंस पात्र होता है फोर व्हीलर की गाड़ियों को चलाने के लिए। इसमें भी नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांस, ये सब की कैटेगरीज जो है वो बाद का विषय है, उसके ऊपर बाद में वीडियोस बनाऊंगा। तो ये गुड न्यूज़ मैंने आपको क्या क्यों बताया, मैंने खुशखबरी क्या है, खुशखबरी ये है कि आप इमरजेंसी केस में या फौरी मदद में बिल्कुल LMV लाइसेंस से गाड़ियाँ टू व्हीलर एक्टिवा में, एक्टिवा हो या फिर मोटरसाइकिल हो, कोई भी कैटेगरी की गाड़ी हो, बिल्कुल चला सकते हैं LMV लाइसेंस से, इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है, ये गुड न्यूज़ है। लेकिन इसका यूज मिस यूज में ना हो कि आम पब्लिक इसको टू व्हीलर फोर व्हीलर का लाइसेंस प्राप्त करके सभी गाड़ियों में चलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, चालान कटेगा। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे देखी थी जहाँ पर आपको मिस गाइड किया जा रहा था, वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी चक्कर में गलतियों को आप ना दोहराएं। तो सारी जानकारी यही सही है, इसके संबंध में जो आदेश है वो भी आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम ट्विटर पर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।